कैमूर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भभुआ शहर में एक होटल से कैमूर पहाड़ी इलाके के वन्य जीव के अवशेष की लाखों की तस्करी हो रही थी। तभी पुलिस ने छापेमारी कर चीता की खाल, पेंगोलिन की खाल समेत अन्य वन्य जीवों के दुर्लभ अवशेष बरामद किया तथा तस्करी और लेन देन में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई और कैमूर पहाड़ी पर भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ पूरी रात छापेमारी किया गया, जहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से दुर्लभ प्रजाति के 2 मुहा सांप, कछुआ, मृग के कस्तूरी, भालू के बाल, जानवरों को फंसाने वाला जंजीर यंत्र, कट्टा गोली और करीब 80,000 रुपए बरामद किया गया। इस तस्करी मामले में 2 झोला छाप डॉक्टर समेत बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग शामिल हैं। वहीं वन विभाग पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। एसपी कैमूर दिलनवाज अहमद से खास बातचीत की हमारी संवाददाता तारिक अनवर ने। 14 लाख में बिक रहा है। क्या बिक रहा है? खाल। ठीक है, खाल से क्या चल रहा है? वो तेंदुआ का बता रहे हैं। हाँ, तेंदुआ का। तो बोले कि 14 लाख बिक रहा है, आप जो वहाँ पहुँचा दीजिए। ठीक है, कहाँ पहुँचाना था? महुआ में कुबेर होटल में संजय नाम के रुके हुए थे, दिल्ली के गुड़गांव के थे, और एक थे सिवान के, अपना परिचय बता रहे थे। ठीक है, वो दोनों लोग यहाँ पे नहीं है सर। तो वो हम जो है सुमंत हैं, उनके माध्यम से जय मनोज जी बोले कि आप वहाँ चले जाइए, तो सुमंत के माध्यम से सुमंत उनको ले गए वहाँ पे और वहीं बताए। कितना मिलता हिस्सा इसमें तुम लोग को? हिस्सा सर हमको इसने बोले थे कि 5 लाख रुपये जो खाल दिया था उसको दिया जाएगा। हम तो सिर्फ मंत्री जो दिया था हमको 5 लाख रुपये वो, और 7-7 लाख रुपये हम लोग को बोले थे, यानी 7 लाख हम और 7 लाख मान लो। कितने लोग का टीम है इस नेटवर्क की? टीम सर जी हमारा खुद कोई टीम नहीं है। क्या काम आपका, रोल क्या है उसमें? इसलिए रोल क्या है कि जो मनोज जी हैं उनसे जैसे बातचीत होते रहती थी, होते रहती थी, तो वो बोले कि कोई खाल उल है तो बताइएगा। तो हम बोले कि हमारे यहाँ तो खाल उल मिलेगा नहीं। तो जब बातचीत किए तो एक ये है प्रेम है, तो मीडिएटर का काम कर रहे थे। कितना दिन से धंधा करवा रहे थे? धंधा हम कितना दिन से बेचवाने का काम कितने दिन से करते थे? बेचवाने का आज तक कई पहले बार मनोज जी, मनोज जी रहने वाले कहाँ का है? क्या नाम है आपका? एक बड़ी नई सफलता जिसमें कि कैमूर जिले के जंगलों में प्रतिबंधित क्षेत्र को, प्रतिबंधित जीवों की दुर्लभ प्रजातियों का तस्कर किया जा रहा था, जिसमें कि कई तरह की दुर्लभ प्रजातियों के अवशेषों का इंटरनेशनल मार्केट तक उनका तस्कर किया जा रहा था, और जिसमें कि इन तस्करों में कई राज्यों से ये तस्कर जुड़े मिले हैं। गिरफ्तारी में ये ऐसा मिला है कि इन तस्करों में यहाँ तक कि बिहार के साथ साथ बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक के तस्कर इससे जुड़े हुए हैं, और देखते हैं पता करते हैं किस किस तरह के चीज़ों और ये तरह की प्रजातियाँ ये अवशेष मिले हैं। आते हैं बात करते हैं कैमूर पुलिस दिलनवाज अहमद से। सर क्या कैसा मिला इस तरह का? छापामारी में एक लेपर्ड की खाल मिली है, पेंगुलिन के स्कल्स मिले हैं, फिर और उसके साथ 3 तस्कर भगवा में गिरफ्तार हुए थे। फिर उनकी निशानदेही पर अधौरा थाना क्षेत्र में छापामारी की गई, जहाँ कस्तूरी मिली है जो दुर्लभ टाइप की होती है कस्तूरी, कई जानवरों के दांत मिले हैं, इसके अलावा एक दुमुहा सांप मिला है जो रेयर मिलता है कभी, और काफ़ी ऊँचे कीमत पर बाहर इसकी डिमांड है जो मेडिसिन में काम आता है। कछुआ भी एक मिला है, और लगभग 81,000 रुपये भी नकद बरामद किए गए। तो एक बड़ा रैकेट भी पकड़ा है जिसमें यूपी के, बंगाल के और बिहार के तस्कर, मतलब लोकल रोहतास जिले के भी तस्कर शामिल हैं। इस तरह की जानकारी सर आपको कैसे मिली सर? WCCB के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि इस इलाके में कुछ तस्कर सक्रिय हैं जो इस तरह का अवैध रैकेट चलाते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा तत्काल अधोस्ताक्षी द्वारा इसे खुद एक टीम गठन किया गया, और पूरी टीम के द्वारा जाल बिछा करके ये पूरी कार्रवाई की गई। सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है या फिर? लगभग 6-7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, 1-2 अभी फरार हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है और आगे भी अभी अनुसंधान किया जा रहा है। अच्छा ठीक है। क्या सर करीब करीब बताया जा सकता है कि इसमें जो भी अवशेष मिले हैं
चाहिए, इन लोगों का इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह का क्या ये इसका रकम होगा? ये काफ़ी ऊंचे दाम पर खरीद बिक्री की बात कर रहे थे, जिसे सुरक्षा कारणों से बताना उचित है। आप सभी ने देखा कि कैमरा ड्राइवर ने इस तरह से इसमें देखा यह गया कि कई तरह के अब खुद इनकी जुबानी सुने इनका कई तरह के पेंगुइन के खाल, यहाँ तक कि तेंदुए के खाल, इस तरह के चीज़ों का, दुर्लभ प्रजातियों का, वन संरक्षण के दुर्लभ प्रजातियों का तस्कर किया जा रहा था, और इनका इंटरनेशनल मार्केट में जो कि इसका रकम क्या क्या नहीं क्या तय कोई बताया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं कैमूर से तारिक अनवर के साथ।